नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल जस्ट अंकुर लाइफस्टाइल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जो है एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम तबला कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तबला एक परकशन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसकी जो आउटर स्किन होती है उस पर हम उंगलियों से हिट करते हैं तो साउंड जनरेट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस तबले का जो पूरा सेट है इसका क्लोजअप दिखा देता हूँ। यह है तबले का बायां यानी डग्गा। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी हाइट है वो है 11 इंच यानी 28 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर होता है वो है 23.5 सेंटीमीटर। इसका जो आइडियल वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5 किलो से अबव, पर ये मेरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है इसलिए थोड़ा लाइट वेटेड है और साइड में इसकी लेदर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इसको ट्यून करने के लिए और इसको फर्मली टाइट करने के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो आउटर स्किन है वो गोट स्किन की बनी होती है और ये जो साइड का होता है इसको हम किनार बोलते हैं और ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन होता है अंदर का मिडिल वाला इसको हम मैदान बोलते हैं और ये जो काले रंग का सर्किल होता है इसको हम स्याही बोलते हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम इस तरीके से बजाते हैं और फ्रेंड्स इसको रखने के लिए हमें एक सर्कुलर फोम का सर्किल एक गट्टा मिलता है जिसपे हम इसको फर्मली रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको आप इस तरीके से रख के इसको फिक्स कर सकते हैं, ये हिलेगा नहीं जब आप इसे प्ले करेंगे। और इसको ढकने के लिए ये फोम का लकड़ी का एक फोम का कवर दिया जाता है ताकि आप बाएं पे कोई डस्ट ना गिरे, कोई उस पर आइटम कोई ऐसी चीज़ ना गिरे जिससे उसकी स्किन डैमेज हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोम का लकड़ी का सर्कुलर कवर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये है तबले का दायां और फ्रेंड्स ये शीशम की लकड़ी का बना होता है। आप देख सकते हैं ये शीशम की लकड़ी का बना हुआ होता है और फ्रेंड्स इसकी जो हाइट होती है, जो इसकी ज़मीन से हाइट होती है वो होती है 26.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 इंचेस और इसका जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक ये होता है 5.5 इंच यानी 5.5 इंचेस। 5.5 इंचेस स्किन वाले तबले को हम सी शार्प या सी स्केल का तबला भी बोलते हैं क्योंकि ये बिगनर के लिए परफेक्ट होता है सीखने के लिए। और फ्रेंड्स इसके साइड में ये लेदर की बद्दियाँ होती हैं तबले को ट्यून करने के लिए, उसे टाइट करने के लिए और लकड़ी के पैग्स लगे होते हैं तबले को लूज़ और टाइट करने के लिए, उसको आइडियली उसको ट्यून करने के लिए और उसको स्केल पे सेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो इसका आउटर स्किन होती है तबले की, जो आउटर स्किन होती है इसको हम किनार बोलते हैं और ये जो बीच का जो वाइट पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं मैदान और ये जो काले रंग का सर्कल बीच में होता है इसको हम स्याही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कई तरीके से बजाया जाता है और इसको रखने के लिए फ्रेंड्स हमें एक ये फोम का सर्कुलर फोम का गद्दा दिया जाता है ताकि हम तबला दाएं को इसको इजीली फिक्स कर सकें और ये बजाते समय हिले नहीं, ये फर्मली फिक्स हो जाए और आपको बजाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो और ये हिले नहीं। और फ्रेंड्स इसको ढकने के लिए हमें एक लकड़ी का फोम का कवर दिया जाता है तबले की ऊपर की स्किन को ढकने के लिए ताकि उस पर कोई डस्ट ना गिरे, कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ना गिरे जिससे उसकी स्किन डैमेज हो या स्किन को कोई हार्म पहुँचे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लकड़ी का फोम से बना हुआ एक कवर दिया जाता है। फ्रेंड्स फिर तबले के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा तबला सेट जो कि एक है बायां और एक है दायां, दायां यानी तबला। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो बायां है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसकी जो आउटर स्किन होती है वो गोट स्किन की बनी हुई होती है और स्टेनलेस स्टील का बायां थोड़ा हल्का होता है और आप चाहें तो पीतल का भी ले सकते हैं और पीतल के अलावा कॉपर का भी आता है जो काफ़ी हैवी होते हैं तो उनकी साउंड भी थोड़ी बेसी हो जाती है। इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो तबला है मेरा ये शीशम की लकड़ी का बना हुआ है और इसकी जो आउटर स्किन है वो गोट स्किन की बनी हुई है और ये तबला सी शार्प स्केल का तबला है, सी से सी शार्प स्केल का तबला है जो कि बिगनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसके साथ जो मुझे एक्सेसरीज मिली हैं वो मुझे मिला है फ्रेंड्स तबले को नीचे रखने के लिए, ये आपको रोल मिलेंगे फोम के रोल हैं ये तबले को रखने के लिए ताकि आपका जब आप तबला बजाएं तो तबला आपका हिले नहीं। उसी तरह से बाएं को रखने के लिए ये ब्लैक कलर के फोम के स्प्रिंग रोल मिलेंगे ताकि आप बाएं को भी इजीली रख लें और ये जब आप बजाएं तो ये आपका हिले नहीं, तो ये इजीली अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा। और इसको कवर करने के लिए फ्रेंड्स हमें मिलता है ये वुडन
हेड कवर जो कि कपड़े का बना होता है, ये तबले की स्किन को बचाता है मॉइस्चर से, वेदर कंडीशन जब चेंज होती है, चाहे चाहे वो ठंड पड़े या रेनी सीजन हो, तो उसमें जो मॉइस्ट वेदर में चेंज आता है तो उसको ये मॉइस्चर से बचाता है, और कोई जो धूल या डस्ट कुछ कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट तबले की स्किन पर ना गिरे उसको बचाने के लिए इस हेड कवर का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स इसी तरह से बाएँ को बचाने के लिए भी उसके साइज का ये लकड़ी का कपड़े से ढका हुआ और फीतों से बंधा हुआ एक हेड कवर दिया जाता है। तो ये रस्सियाँ होती है फ्रेंड्स, ये फीते जो होते हैं आप इसको टाइटली इससे बांध सकते हैं दोनों को, और इससे आपके तबला अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है और कोई भी स्किन को डैमेज नहीं होता। उसी के साथ फ्रेंड्स हमें मिलता है एक कपड़े का बैग, जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप दोनों तबले सेट को रख सकते हैं और कहीं भी आप परफॉर्मेंस करने जाएं तो आप इसको अच्छी तरह से चेन से बंद करके ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें इसके साथ मिलती है एक ट्यूनिंग हैमर, ये हैमर है फ्रेंड्स, ये तबले की स्किन को ट्यून करने के लिए दी जाती है और इसको लूज़ करने के लिए फीतों को जो उसका जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको लूज़ करने के लिए और टाइट करने के लिए दी जाती है। तो ये हैमर होती है स्पेशली तबले के लिए होती है, उसको ट्यून करने के लिए। और फ्रेंड्स ये कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक के पैग्स होते हैं जो हमें बाएँ में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें एक्स्ट्रा हाई स्केल पर बजाना होता है बाएँ को, तो उसमें ये साइड से टाइट करने के लिए हमें ये दी जाती है, प्लास्टिक की पैग्स होती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, ये जो तबला है ये शीशम की लकड़ी का बना हुआ है आप देख सकते हैं, और ये जो इसका बाहर का जो हिस्सा होता है इसको हम किनार कहते हैं, बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम मैदान कहते हैं, और जो काला पोर्शन होता है इसको हम स्याही बोलते हैं। और फ्रेंड्स स्किन को हम टाइट करते हैं, इसमें लकड़ी के पैग्स लगे होते हैं, तो स्किन को हम लूज और टाइट कर सकते हैं पैग्स को ऊपर नीचे करके और हैमर को यूज करके। और इसी तरह फ्रेंड्स बाएं में भी ये स्ट्रिप्स होती है, लेदर की स्ट्रिप्स होती है जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी आप प्लास्टिक के पैग्स लगाकर और हैमर को यूज करके इसको लूज और टाइट कर सकते हैं इसकी स्किन को, और अपने स्केल के हिसाब से इसे ट्यून कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और मैं बताना चाहूंगा ये जो बाया होता है साइज में काफी बड़ा होता है, वेट में ज्यादा होता है दाएं के मुकाबले, और इसकी जो स्ट्रिप्स होती है लेदर की वो हम इजिली टाइट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ये फ्रेंड्स ये कॉपर का आता है, पीतल का आता है, एल्युमिनियम का आता है, स्टेनलेस स्टील का आता है, मैंने स्टेनलेस स्टील का लिया हुआ है। और इसके जो मेरिट्स है फ्रेंड्स, बिगनर के लिए ये तबला शीशम की लकड़ी का तबला सबसे बेस्ट रहता है, ये सी से सी शार्प स्केल का तबला बिगनर के लिए परफेक्ट होता है जो तबले को सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। और तबले की जो स्याही होती है वो पतली होनी चाहिए, उससे क्या होता है कि जो आप जब टिट वगैरह या कोई बोल बजाते हैं तो बहुत ईजिली उसमें साउंड उसकी जनरेट होती है। और जो आपका फ्रेंड्स बायां होता है आप जितना हैवी लेंगे वो उतना अच्छा साउंड क्रिएट करेगा, अगर आप 2.5 किलो से अबव का लेते हैं तो वो और अच्छी बेसी साउंड जनरेट करेगा। जब भी आप तबला खरीदने जाएं फ्रेंड्स तो आप चेक कर लें उसकी लकड़ी को, उसकी स्किन को, कि लकड़ी कहीं से क्रैक तो नहीं हो रही, कहीं से डैमेज तो नहीं है, स्किन कहीं से चटक तो नहीं रही, कहीं से फटी हुई तो नहीं है। और स्किन जो होती है वो हमेशा हैंडमेड होनी चाहिए, हाथ से उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनके द्वारा हाथ से बनी हुई होनी चाहिए। और फ्रेंड्स और ये प्रॉपरली ट्यून होना चाहिए, जब भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाएं, तबला लेने जाएं, बाय लेने जाएं, तो इसको आप वहाँ पे म्यूजिक शॉप पे वहाँ पे उनसे अच्छी तरीके से इसको ट्यून करा लें। तो फ्रेंड्स हमेशा तबले को जो इसके प्रिकॉशन हमें क्या रखनी चाहिए कि तबले को हमेशा हमें वेट और रेनी सीजन या वेदर कंडीशन जो आती है, सीवियर विंटर आते हैं या मॉनसून सीजन आता है, तो उससे हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स वेदर चेंज होता है और मॉइस्चर से तबले की स्किन को खराब होने का चांस बना रहता है। तो हमेशा तबले को हमें इन हेड कवर से ढक के रखना चाहिए ताकि इनकी स्किन को कोई डैमेज ना हो। और प्रैक्टिस करने के बजाने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेंड्स तबले के कवर आप उसे कवर करने के बाद इसका जो बैग है उसे बैग में अच्छी तरह से कवर करके इसको बंद कर दें रियाज करने के बाद। और फ्रेंड्स हमेशा एक सॉफ्ट कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें, जब भी आप बजाएं तो उसको इसकी स्किन को इजीली आप साफ कर सकें, तो एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेके आप उसकी स्किन को साफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स छोटे बच्चों से इसको दूर रखिए, क्योंकि अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं जानते जानेंगे तो वो या तो इंस्ट्रूमेंट को डैमेज पहुंचा देंगे या खुद को वो कुछ डैमेज कर सकते हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स इसकी कुछ साउंड टेस्ट आपको बजा के दिखा देता हूं।
और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तबला है, ये जो बाया है, तो बाया का तो आप ये फ्रेंड्स, ये इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 11 इंच है, यानी 28 सेंटीमीटर है, और इसका जो वेट है वो लगभग 2.5 किलो से अबव होना चाहिए, लेकिन ये मेरा हल्का है तो उससे कम है। और फ्रेंड्स ये जो तबला है इसकी जो हाइट है वो है 26.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 इंच। ये थोड़ा शीशम की लकड़ी का है फ्रेंड्स, तो ये हैवी होता है, और इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 5.5 इंच का होता है। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक रिव्यू इस तबला सेट के बारे में जो मैंने हाल ही में परचेज किया है। तो अगर आप तबला सीखना चाहते हैं या सीखने का सोच रहे हैं, तो आप एक अच्छा तबला सेट शीशम की लकड़ी का और स्टेनलेस स्टील बाय का और अपने शहर के ऑथोराइज म्यूजिकल शॉप से खरीद सकते हैं और तबले का रियाज करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेट मुझे 4500 रुपये का पड़ा है, और डिपेंड करता है अगर आप थोड़ा अच्छा मटेरियल लगवाएंगे तो प्राइस वेरी करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको तबले के रिव्यू के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि और भी जो भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाऊं तो उसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए ला सकूं, वो जो ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहे और आपके लिए हेल्पफुल रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।